ए भैया, हमको तो बड़ा डर लग रहा है। डरो मत, अपने साथ शेर का बच्चा है। तो ठीक है। क्या ठीक है यार, मैंने तो शेर का बच्चा इसलिए कह दिया था कि हम तो शेर से भी नहीं डरते, मगर तुमने तो हमारा मजाक ही बना डाला। ये अच्छी बात नहीं है। ए भैया पप्पू, ऐसे ना कहो, हम तो तुम्हारे भरोसे आए हैं। अरे तो डरने को किसने कहा है, हम हैं तो। अरे किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो देखो आज पूर्णमासी की रात है। पूर्णमासी की रात है तो? अरे एकदम लड्डू, इंसानों का याद नहीं पिछली बार अमावस्या की रात थी, आज पूर्णमासी की रात है, इसलिए भूत आज नहीं आएगा। अरे इसका क्या मतलब है, क्या हम फिजूल में जंगल आए हैं, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे ऐसा कुछ नहीं है। अरे तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें भूत मिलेगा ही नहीं तो हम किसे मजा चखाएंगे? ज्यादा हीरो मत बनो समझे, हम उस भूत का सामना कर चुके हैं और हमारी हालत खराब हो गई थी समझे। अरे शायद भैया तुम्हें याद नहीं, तुम्हारी तो पैंट भी गीली हो गई थी। ऐसा है बेटा चिंपू, हम आज तक बचपन में बिस्तर भी गीला नहीं करे हैं, तो उस भूत को देख के भला हमारी क्या पैंट गीली होगी। अरे ये सब बकरोली छोड़ो यार, अगर भूत आएगा ही नहीं तो हम यहाँ जंगल में क्या करेंगे, चलो वापस चलते हैं यार। अरे भैया पप्पू रुको, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। अरे तनिक भर सुनो ध्यान से, ये कैसी आवाज है? अरे भैया भागो, लगता है भूत आ रहा है। अरे रुको, कहाँ भागते हो, मैं देखता हूँ इस भूत को। अरे यार ये भूत तो बूढ़ा है, पहन रखा सफेद चोला है, लगता है जैसे बरसात में गिरा हुआ पानी का ओला है। इसे मारना कोई बड़ी बात नहीं, मैंने कितने भूत मार डाले हैं, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। अच्छा तूने बहुत काजू बादाम खाए हैं, इसलिए अपनी ताकत पर इतना इतरा रहा है, तू और इतनी बातें बना रहा है, मेरे सामने तेरी ताकत की कोई औकात नहीं। तू क्या, तेरे बाप में भी मुझे मारने की औकात नहीं। मुझसे तू टकराए नहीं है तुझमें इतना दम, मार दूं मुक्का तो तेरा निकल जाएगा दम, भाग यहां से। जा जा पप्पू, अभी तू भाग जा, मौका है तुझे, और तू अभी बहुत बच्चा है, लड़ना क्या जाने, अगर तू मुझे और गुस्सा दिलाएगा तो तेरी ऐसी हालत कर दूंगा कि ना तो तू मुंह से कुछ खा पाएगा और ना ही नीचे से कुछ निकाल पाएगा। ओ भूत, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अभी एक हाथ मारूंगा तुझे, तू जमीन में घुस जाएगा, घुस जाएगा। तू मुझे अभी पहचानता नहीं है और मेरी ताकत को जानता नहीं है, मैं अगर चाहूं तो नव मंडल में हलचल डाल दूं, पर्वतों को पीस दूं, जल थल में हलचल डाल दूं, तुझे अपने हाथ से मसल कर तेरा सूरमा बना डालूं, और तुझे जमीन में पटक कर तेरे शरीर के चिथड़े उड़ा डालूं, पेट टेढ़ा फाड़ कर आंतों की चाउमीन बना डालूं, और सर तेरा फोड़ कर तरबूज की तरह चबा डालू। पप्पू अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं भूत चाचा, इसे माफ कर दो, ये हमारा दोस्त है, इससे जो भी गलती हुई है उसके लिए हम दोनों आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। हाँ हाँ भूत चाचा, इसे छोड़ दो, इसकी जान बख्श दो। तो तुम दोनों इसके सच्चे मित्र हो, तो इसे समझाते क्यों नहीं, और इस नालायक के तुम जैसे दोस्त कैसे बन गए, ये तो बहुत ही बदतमीज है, इसे बड़ों से बात करने की जरा भी समझ नहीं है। अरे भूत चाचा, इसके माँ बाप दोनों ही नौकरी करते हैं, ये बेचारा अकेले रहता है इसलिए इसको जल्दी गुस्सा आ जाता है। अच्छा तो इसलिए इसमें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है और इसे समझ भी बिल्कुल नहीं है, मैं इसे समझाऊंगा। हाँ भूत चाचा यही सही बात है, इसके माता पिता के पास इसके लिए समय नहीं है, इसे उनका भरपूर प्यार नहीं मिला है। अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है,
मैं तुम दोनों की बात मानता हूँ और इसे जान से नहीं मारता, पर इसे इसकी गलती का दंड तो जरूर दूंगा, जिसके लिए इसके माता पिता को अपनी गलती का एहसास हो और वो पप्पू को पूरा प्यार दे सके। तुम मेरे साथ क्या करोगे और मेरे मॉम और डैड को बीच में क्यों लाते हो? वो अभी पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? मैं तेरे मुंह को बंद कर दूंगा तो तू सांस भी नाक से ही लेगा लेकिन छोड़ेगा अपने पिछवाड़े से। अरे भूत, तुम से मैं डरता नहीं हूं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बचाओ। ले, मैंने तेरा मुंह बंद कर दिया। अरे ये पिपरी की आवाज़ नहीं है, भूत चाचा ने सही में पप्पू का मुंह बंद कर दिया है और ये आवाज़ पप्पू के पिछवाड़े से आ रही है। भूत चाचा इसे ठीक कर दो, ये हमारा प्यारा दोस्त है। हाँ हाँ भूत चाचा इसे ठीक कर दो। नहीं, अब मैं इसे इसकी गलती का एहसास कराऊंगा और इसके माँ बाप को भी इसकी अपनी गलती का एहसास होगा और वह पप्पू को समय और प्यार दोनों देंगे, इसी बहाने पप्पू को उनका प्यार मिलेगा। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो भूत चाचा, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी भूत चाचा। तुम तीनों से कहता हूँ भाग जाओ, मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया लेकिन मेरे और साथी आने वाले हैं और वह तुम्हें खा जाएंगे और तुम तीनों को नहीं छोड़ेंगे, भाग जाओ। अब आएगा मजा जब लोग पप्पू पर हंसेंगे और पप्पू के माँ बाप को भी अकल आ जाएगी और अब पप्पू भी सुधर जाएगा। और हाँ, अगर और कोई भी मुझे ऐसा मिला तो मैं उसकी भी बोलती बंद कर दूंगा और उसके पिछवाड़े से सारंगी की आवाज़ निकाल दूंगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा देना और लाइक जरूर कर देना। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं भूत हूँ, कहीं पर भी कहीं भी किसी समय आ जा सकता हूँ।